बीटल एक ऐसा कीटक है जो केले की फसल में बहुत बड़े तादाद में नुकसान करने में पाया जाता है। बारिश के मौसम के शुरुआती दिन में हवा में जैसे ही नमी आती है और वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यह कीटक बहुत तेजी से अपनी पैदावार को बढ़ाता है और केला खेती में बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। बीटल यह डिलीवरी के समय में आधे खुले हुए फलों को ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। शुरुआती अवस्था में फलों की खाल पतली होने के कारण यह कीटक आसानी से फलों की ऊपरी परत को काट के खाता है। इससे केले की फलों की ऊपरी परत खराब होकर फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, और यह सब हमारे किसान भाइयों के समझ में आने से पहले ही यह बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए हमारे खेतों में यह तीन महत्वपूर्ण चीजें किए जा सकते हैं। जैसे ही हमारे खेतों में केले की डिलीवरी चरण शुरू हो जाता है, इस समय में हमें एक रैपिड स्प्रे करना है जिससे ऐसे कीटकों का रोकथाम हो जाए या फिर इनका प्रकोप जो है वो 70 से 80% कम हो जाए। तो इस स्प्रे में हमें 15 लीटर टंकी के हिसाब से हमें 10,000 ppm का 15 मिलीलीटर नीमॉल, क्विनलफॉस 30 मिलीलीटर और एजेंट 15 मिलीलीटर से लेकर इस द्रावण को केले के तने के ऊपर से लेकर कीटकों के छुपने की जगह पर यानी कि घास, सूखी गिरी हुई पत्ती इसके ऊपर इसका स्प्रे करें। इस छिड़काव का प्रभाव कीटकों के हर एक चरण के ऊपर होता है और कीटकों का ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है और अगली पीढ़ी की पैदावार रुक जाती है, और इससे हमें 70 से 80% नियंत्रण मिल जाता है। चूसने और काटने वाले कीटकों से बचने का अच्छा और सरल उपाय है बर्ड इंजेक्शन। किसान दवाइयां का छिड़काव करने से पहले ही बीटल जैसे कीटक आधे खुले हुए केले गुच्छे के अंदर जाकर इसको खराब करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर हम बर्ड इंजेक्शन को सही समय पर करें तो हमें पूरा संरक्षण प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को डिलीवरी के बाद केले का गुच्छा नीचे झुकने से पहले बर्ड के ऊपर से 3 इंच नीचे और 1 इंच लेफ्ट साइड में इंजेक्शन की नीडल को पुश करके 10, 20, 30, 40 और 50 यह आंकड़ों को गिनना है जिसे 5 सेकंड की आवश्यकता होती है, और इसके कारण हमारे बैटरी वाले पंप 1 सेकंड में 12 मिलीलीटर पानी को अपने पंप के द्वारा आगे निकाल देता है। इससे एक बार के अंदर 60 मिलीलीटर दवाई चली जाती है। साथ ही ऊपर से 3 इंच नीचे और 1 इंच लेफ्ट साइड ही क्यों, क्योंकि आप किसी भी जगह पे खड़े होने के बावजूद भी लेफ्ट साइड में बर्ड इंजेक्शन करते हो तो उसको खाली जगह मिलकर कोई भी केले का गुच्छा खराब नहीं होता, और एंटी क्लॉक पोजीशन से हर बर्ड के ऊपर से दवाई घूमते हुए नीचे की तरफ आकर पूरे बर्ड के ऊपर दवाई समान मात्रा में विभाजित होती है। बर्ड इंजेक्शन करने की वजह से लगभग 10 से 12 दिनों का कीटकों से सुरक्षित समय मिलता है, और इससे सबसे बड़ा फायदा होता है जो गुच्छा पूरी तरीके से खुलने के लिए 22 दिन का समय लेता है, वही बर्ड इंजेक्शन करने की वजह से खाली 10 दिन में खुल जाता है, जिससे हमारे केला कटाई का समय 15 दिन से बच जाता है और गुच्छा जो है पूरा साफ सुथरा रहता है। बीआई या बर्ड इंजेक्शन के लिए हमारे खेतों में केले की डिलीवरी शुरू हो जाते ही इस समय में 15 लीटर पानी में टंकी के हिसाब से आयदॉल 15 मिलीलीटर, इमिदा 7 मिलीलीटर 30.5%, नीम ऑल 5 मिलीलीटर 10,000 ppm, इस मात्रा में बर्ड इंजेक्शन के लिए दवाइयां इस्तेमाल करनी है। बीटल हो या फिर चूसने और काटने वाले सारे कीटकों से बचने के लिए बर्ड इंजेक्शन के बाद हर 10 दिन में एक बंच स्प्रे लेना जरूरी है। इस बंच स्प्रे में 10 दिन का अंतर रखें और डिलीवरी से 50 दिन तक यह 4 बंच स्प्रे पूरे हो जाने चाहिए। 50 दिन के बाद फलों की बाहरी परत पूरी तरीके से परिपक्व होकर कीटकों के प्रभाव से नैसर्गिक सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद वातावरण की स्थिति या ह्यूमिडिटी के प्रभाव से फंगल और बैक्टीरियल बीमारियां भी पाई जाती है। इसी कारण बंच स्प्रे पूरे होने के बाद केले की फसल में फ्रूट कवर डालना बहुत अनिवार्य है। फ्रूट केयर श्रृंखला में आखिर की कड़ी यानी बंच कवर या बनाना बंच कवर बैग लगाना अनिवार्य है। इससे वातावरण में होने वाले बदलाव से विपरीत परिणाम से बचा जा सकता है। इस सारे श्रृंखला से फंगस, बैक्टीरिया, कीटों से सुरक्षा के साथ साथ पोषक हार्मोन्स का संप्रेरण होकर साल भर कंद में संग्रहित किया गया अनाज केले के गुच्छे के अच्छे पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे केले की लंबाई और मोटाई बढ़कर केले के बंच में 4 से 6 किलो तक की बढ़ोतरी मिलती है।